लेकर सियासत शुरू हो गई है। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने राजस्थान की कांग्रेसी सरकार पर आरोप लगाया है। हजार बसों को कांग्रेस पार्टी ने यूपी भेजने के लिए एक प्रस्ताव भेजा जिसको बहुत देर तक परमिशन नहीं मिली। जब परमिशन मिली तो कहा गया कि उसको लखनऊ भेजिएगा, आगरा भरतपुर बॉर्डर से बस लखनऊ जाएगी, उसके बाद उसको आगे भेजा जाएगा। फिर बाधाएं बनाने के लिए नाना प्रकार के हथकंडे अपनाए, कभी कहा कि फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, कभी कहा कि ड्राइवर का लाइसेंस नहीं है। राजस्थान सरकार की कि निरीह बच्चों के बस से भिजवाने का किराया वसूल रहे, 94 बसों का किराया वो 36,36,000 और 664 रुपया का भुगतान दे रहे हैं। एक तरफ आप पैसा ले रहे हैं, दूसरी तरफ आप बसों को भेजने का बॉर्डर पे आप किस नियत से और किस कारण से कर रहे हैं? 8 मई को आपने रिमाइंडर फिक्स क्यों किया था?